मलेपली गठाला मस्जिद के करीब इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर काम करने के दौरान शॉक लगने से सादिक नामी नौजवान की मौत हो गई। बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इतला दिए बगैर गौस नामी कॉन्ट्रैक्टर के कहने पर यह शख्स इलेक्ट्रिसिटी पोल पर चढ़कर काम कर रहा था, जिस बाइस यह हादसा पेश आया। पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। अल्लाह के घर से भरोसा रखा, उसकी जान के सामने कोई कीमत ही नहीं। टाइम होना था, हो गया, हो गया। अल्लाह की टाइम इंतजार नहीं मालूम है, हो गया। इंशाल्लाह कल सुबह में जाके पुलिस में बात करेंगे, बात करके सुबह में जो है ना अपन शॉर्ट आ रहा था, तो इसलिए क्या पोल चेंज करे हो? पोल चेंज करे, उसका इन्वर्टर का रिटर्न आ गया, उसको काम पूरा कंप्लीट होगा उसका। खाली एक सर्विसर मिलाने का था, इन्वर्टर का रिटर्न आ गया, तो इन्वर्टर रिटर्न से ऊपर से गिर रहा था। तीन जने मिलकर पकड़े उसको, ले लेके नामपल्ली दवाखाने को गए थे, वहाँ नहीं पकड़े, सीधा डायरेक्ट यहाँ ले लेके आए। मोहम्मद सादिक है उसका नाम, उसके बदन 30-32 रहता है। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है, बेटा है उसको। करंट का काम कितने साल से करते थे लोग? बहुत सालों से, बहुत साल से, कितना? 10 साल से, 20 साल से, होगा 15 10 इयर्स, 10 इयर्स से करते। कहां के रहने वाले हो? बिहार के हैं। बिहार, बिहार, यहां पर हैदराबाद में कहां रहते थे? हां जेबाबाग में रहता हूं। जेबाबाग में? हां। कौन सी लिमिट में काम करते थे लोग? कौन से करते थे? आसिफ नगर, आसिफ नगर, बीएनसी, सब पूरा टोटल रीति बोली।